अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार विधानसभा के सियासी समीकरणों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट की। शाहपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी ने इस सीट को जीता, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको वादा करने के बाद किसी भी दल ने दूर नहीं किया। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में लोग सियासी दलों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। जानेंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि यहां का सियासी इतिहास क्या कहता है। शाहपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी का दबदबा रहा है। पिछले 5 चुनावों में इन्हीं दोनों दलों के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। साल 2000 के विधानसभा चुनावों में यहां आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। 2005 के विधानसभा चुनावों में एलजेपी और आरजेडी में मुकाबला हुआ था। 2005 में रोचक मुकाबले में एलजेपी को हराकर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। 2010 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला देखने को मिला। 2010 में बीजेपी ने आरजेडी को यहां से परास्त किया और जीत दर्ज की। 2015 विधानसभा चुनावों में फिर से आरजेडी और बीजेपी आमने सामने दिखे। 2015 में बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन जीत आरजेडी के हिस्से आई। शाहपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 2,65,171 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,49,447 है। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,15,712 है। मतदाताओं का ये आंकड़ा अब नए मतदाताओं के पंजीकरण से बढ़ गया है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वैसे तो तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हर किसी के सामने गरीब उन्मूलन और ग्रामीण इलाकों में पानी, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में पार्टियों से परेशान लोग अब उसी को वोट देने की बात कर रहे हैं जो उनका वाकई ध्यान रखे। शाहपुर के लोगों की माने तो नेता वोट लेकर भूल जाते हैं। हर बार की तरह इस बार वो बातों में नहीं आने वाले हैं। शाहपुर के लोगों का कहना है कि नेता फरियाद तक नहीं सुनते। शिक्षा का बुरा हाल है और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुशासन बाबू के सुशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहां नीतीश राज में काम हुआ हमें नहीं पता। आरजेडी के बारे में भी लोगों की मिली जुली राय दिखती है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लोग एक बार फिर मौका देना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि एनडीए की यहां दाल गलती नहीं दिख रही। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले कुछ भी कहना गलत होगा। भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा का सियासी हाल साफ बताता है कि बीजेपी हो या जेडीयू, लोग उससे नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव पर लोगों की नजरें इनायत है। बाकी लोग यहां किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधने वाले हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अन्य विधानसभा सीटों का सियासी हाल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।